स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है ना। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको पॉज कर दीजिएगा जब मैं बोलूँगा यहाँ स्पेस बटन से, ओके। हाँ, तो इसमें जो है अभी मैंने आपको बताया था इसमें एक्स्ट्रा चमक होती है ना डायमंड में, और ग्रेफाइट, इसको पॉज कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है। देखिए ग्रेफाइट, सॉरी ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। अभी मैं आपको एक दो और दिखा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि कोई भी कार्बन एटम अगर आप देखेंगे, अभी मैं इसको लिखवा भी दूंगा अच्छे से, कोई भी कार्बन एटम देखिए, ये वाला कार्बन एटम देखो 1, 2, 3, 4, ठीक है ना, 4 कार्बन एटम से घिरा हुआ है ये कार्बन, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रॉन बनाएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या बनाएगा, टेट्राहेड्रॉन, ठीक है ना। अब ये टेट्राहेड्रॉन क्या होता है ये अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, एक कार्बन का एटम 4 कार्बन एटम से घिरा होता है और टेट्राहेड्रॉन बनाता है, और इस तरीके से कार्बन के एटम काफी क्लोजली पैक होते हैं, ओके। इसी कारण डायमंड जो है वो जल्दी कोई केमिकल रिएक्शन करता नहीं है, ठीक है, और इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ओके। इसको भी मैं लिखा के और आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए ग्रेफाइट को अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो ग्रेफाइट में आप क्या देखते हैं, ग्रेफाइट में ना आपको एक कार्बन एटम पकड़िए कोई भी, सपोज ये वाला, ठीक है ना। तो ये 1, 2, 3 कार्बन एटम से घिरा हुआ, ठीक है ना, इसको देख लीजिए 1, 2, 3 कार्बन एटम से घिरा हुआ। तो एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से घिरा हुआ है यहाँ पे, 3, और कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। इधर भी कोवेलेंट कौन बन रहा है, इधर भी कोवेलेंट। कल मैंने आपको बताया था कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4, याद है आपको, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है ना। अब भाई इधर से कार्बन से लग गया, वो इधर से कार्बन से लग गया, इधर से ये वाली वैलेंसी खाली है, मतलब ये बॉन्ड अभी किसी से जुड़ा नहीं, तो इसका हम बोल सकते हैं इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री है अभी, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हर कार्बन एटम में देखिए, इस कार्बन एटम में 3 बॉन्ड बने, चौथा खाली, चौथा खाली होने का क्या मतलब है, आप कार्बन को कैसे बनाते थे डॉट में, 1, 2, 3, 4, ये वाला डॉट यूटिलाइज हो गया दूसरे कार्बन के साथ, ये वाला डॉट यूटिलाइज हो गया दूसरे कार्बन के साथ, ये वाला डॉट यूटिलाइज हो गया दूसरे कार्बन के साथ, ये डॉट मतलब ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री है ना। उसके बाद आप एक चीज और देखते हैं ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में, क्या ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में आप देखते हैं, देखिए ये जो रिंग है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन आइटम है इस रिंग में, हेक्सागोनल रिंग कहलाएगी, और ऐसी एक रिंग नहीं है, एक रिंग उसके बगल में भी एक रिंग, एक उसके बगल में भी रिंग, ये रिंग्स मिलके एक टू डायमेंशनल प्लेन में एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली जो रिंग है एक को छोड़कर उसके नीचे वाली रिंग के साथ आइडेंटिकल है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ एक कार्बन एटम की पोजीशन है, यहाँ है ये, यहाँ है ये, यहाँ है ये, इसके सिमेट्रिकल है, लेकिन इसके बाद जो लेयर आती है वो किसके सिमेट्रिकल होगी, या तो इसके ऊपर वाले के या तो इसके नीचे वाले के, तो अल्टरनेट वे में एक दूसरे के सिमिलर आप बोल सकते हैं, या सिमेट्रिकल भी आप बोल सकते हैं एक दूसरे के, सिमेट्रिकल शब्द नहीं हम यूज करेंगे, हम कॉन्ग्रेंट बोल सकते हैं। एग्जैक्टली क्या होता है, ये वाला कार्बन एटम अगर मैं इस लेयर को उठा के इस पे रखूं तो बिल्कुल एकदम कोइंसाइड करेगा, ये वाला लेयर इसके नीचे वाले के साथ कोइंसाइड करेगा, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला लेयर और ये वाला लेयर, ये जो आपको दिखाया जा रहा है ना ऐसे लंबा सा लाइन, ये आप डॉट डॉट से दिखाइए, किससे दिखाएंगे आप, डॉट डॉट से, इसका मतलब क्या, बुक में बना हुआ है डायग्राम का प्रैक्टिस कर लीजिएगा अगर एग्जाम में लिखने के लिए आता है, ओके। ये डॉट डॉट से दिखाने का मेरा मतलब ये है कि दीज आर वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस, क्या मैंने बोला, दीज आर वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस या वीक बाइंडिंग फोर्स आप इसको बोल सकते हैं। तो जब आप ऐसा भी मैंने बताया ना, ग्रेफाइट को आप हाथ में ऐसा लेके ऐसा जब करते हो तो वो स्लिप करता है, क्यों स्लिप करता है, ये लेयर आपस में क्या होती होंगी, खिसकती होंगी एक दूसरे के ऊपर, क्यों, क्योंकि वीक वॉन्डर वॉल फोर्स है, कोई कोवेलेंट तो बना नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। वीक वॉन्डर वॉल फोर्स के बारे में 11th क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन ये वाले कौन से बॉन्ड है, कोवेलेंट, ये वाले कौन से बॉन्ड है, कोवेलेंट, कोई डाउट है इसमें बताइए, हाँ ओके, ठीक है। अब इसके यूजेस अभी हम देख लेंगे, तो ये है हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है ना।
सबसे पहले आप लोग देखिए कि इसमें जो है टेट्राहेड्रॉन कैसा दिखता होगा, हालांकि मैंने इसमें लिखा हुआ है, शायद क्लियर ना दिखाई पड़े। आप देखिए किस तरीके से टेट्राहेड्रॉन दिखता है। टेट्राहेड्रॉन शेप आपने देखिए किस तरीके से ये बन के तैयार होगा, तो थोड़ा सा इमेजिन करिए टेट्राहेड्रॉन कैसा दिखता है। ये बन के तैयार होगा तो आपको क्लियर होगा। ये दिख रहा है आपको, हाँ, किस तरीके से टेट्राहेड्रॉन दिखता है। हाँ, ये दिखता है। हाँ, ओके, टॉप व्यू है ये इसका, एग्जैक्टली ऐसा ही। कहाँ है पीछे, कितने वर्टेक्स दिखाई पड़ रहे हैं बताइए। हाँ, फोर वर्टेक्स है। ध्यान से अगर देखें आप इसके टॉप व्यू में, वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर, ठीक है ना। तो फोर वर्टेक्स हैं, देखिए ध्यान से, ये देखिए ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा। इधर देखिए, ये टॉप, एक इधर, ऐसा ही डायमंड का स्ट्रक्चर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रॉन। ओके, एक कार्बन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, और यहाँ हम कुछ गलत कर रहे हैं शायद, वन टू थ्री फोर, ओके ठीक है। तो ये आप टॉप व्यू जो देख रहे हैं, ये वाला जो कार्बन है, ये इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से, सिमिलरली इसके ऊपर एक कार्बन कहीं होगा अगर, तो उससे लिंक कर रहा होगा, तो इसकी चारों की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले भी शायद मैंने आपको मीथेन का स्ट्रक्चर दिखाया है ना, ये देखिए, इस तरीके का आपको दिखेगा। बहुत जरूरी, देखिए इस तरीके से दिखेगा ये आपको, दिस, अब दिखता है ये कार्बन को, देखिए सेंटर वाले, ओके, ये सेंटर वाले कार्बन को अगर आप देखेंगे तो एक कार्बन से, दूसरे कार्बन से, तीसरे और चौथे, ये चार कार्बन से इस तरीके से लिंक है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हुए मैंने, वो आपको बताने चाहिए। नंबर वन पॉइंट, अ डायमंड क्रिस्टल इज अ जॉइंट मॉलिक्यूल। जॉइंट मॉलिक्यूल मींस व्हाट, वेरी बिग मॉलिक्यूल, ओके, इतना बिग कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि एक कार्बन कितने से लिंक है, फोर से, और जो फोर से लिंक है वो फोर भी किससे लिंक है, फोर फोर से, एंड सो ऑन टू, इस तरीके से पैटर्न चलता रहता है, कार्बन का क्रिस्टल तैयार होता है। तो वही पॉइंट नंबर वन मैंने नोट किया, डायमंड क्रिस्टल इज अ जॉइंट मॉलिक्यूल, ठीक है, कार्बन, जॉइंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम्स। पॉइंट नंबर टू, जो कि मैंने आपको बताया, ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड टू फोर अदर कार्बन एटम्स, दीज फोर सराउंडिंग कार्बन एटम आर द फोर वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। व्हाई रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, रेगुलर मींस व्हाट, उसकी जो एजेस होंगी, या आप साइड जिसको बोलते हैं, लेकिन थ्री डायमेंशनल फिगर में हम साइड नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एज, ठीक है। तो जो एजेस होंगी, जो कि यहाँ पे किस एजेस, यहाँ पर क्या है एजेस, तो आंसर है बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ है, तो सभी बॉन्ड लेंथ क्या आपस में इक्वल है, इसलिए हम बोलेंगे कैसा टेट्राहेड्रॉन है, रेगुलर, रेगुलर, आपने रेगुलर ऑक्टागॉन भी पढ़ा हुआ है क्लास 8 में, जिसके साइड्स क्या होते थे, इक्वल, लेकिन ये टू डायमेंशनल नहीं है, थ्री डायमेंशनल फिगर है, इसलिए हम ओके, हाँ, थ्री डायमेंशनल फिगर है, तो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बनाते हैं। कौन रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बनाते हैं, ये जो, हाँ, ये जो फोर कार्बन एटम्स होते हैं, जो कि किसी कार्बन एटम से लिंक होते होंगे, ठीक है ना। दिखा था आपको अभी किस तरीके से था, ये देखिए फिर से एक बार देखिए, ये क्लियर होना, वरना आप एग्जाम में लिखेंगे क्या, ठीक है ना। ये देखिए इस सेंटर वाले से, एक तो ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो चार कार्बन एटम है, दीज फोर कार्बन एटम्स मेकिंग द वर्टिसेस ऑफ द रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, एग्जाम में लिखने के लिए आता ही आता है, वैसे तो बकिंस्टन क्लोरीन आता है, कौन देखेंगे, ठीक है। डायमंड क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स व्हिच आर पावरफुली बॉन्डेड टू वन अनदर बाय अ नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है ना। मैंने आपको बताया ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जो कार्बन कार्बन के बीच में शेयरिंग करके बने होते हैं,
ठीक है ना। तो इस तरीके से यही रीजन है, सुनिए ये वाला जो पॉइंट है बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन करता है और आप एग्जाम में इसको लिखेंगे। देखिए डायमंड का जो क्रिस्टल होता है ये कार्बन एटम से मिलके बना होता है और ये कार्बन एटम आपस में एक दूसरे से एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाते हैं, किसका, कोवेलेंट बॉन्ड का। यही रीजन है कि डायमंड जो है बहुत रिजिड होता है और डायमंड का यूज एज अ कटर किया जाता है ग्लास को काटने में, ठीक है। डायमंड का यूज किया जाता है, अभी हम आगे यूज भी लिखवाएंगे तो आप देखना, ठीक है। ड्रिलिंग ऑयल वेल्स, ठीक है ना, तेल निकालने के लिए पेट्रोलियम वगैरह में जो ड्रिलिंग की जाती है वो किससे की जाती होगी, डायमंड के कटर से की जाती होगी। ये इतना हार्ड होता है, ओके, इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करते हैं ग्लास को काटने में डायमंड का यूज होता है, ठीक है ना। इसका रीजन समझ रहे हो आप, पावरफुल नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। यही रीजन है कि डायमंड बहुत रिजिड होता है, रिजिड मतलब समझ रहे हैं क्या, हाँ, बहुत हार्ड है, बहुत कठोर है हिंदी में अगर आप उसको बोलना चाहें, ओके, ठीक है ना। डायमंड हैज हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम मास बहुत ज्यादा होता है। देख रहे हो आप कितना क्लोजली पैक्ड है, एक पावरफुल नेटवर्क बना रहे हैं। और यही रीजन है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। इमेजिन कर सकते हो वाटर कितने में बॉइल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 का 35 टाइम्स करिए, 3500 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। यही रीजन है कि ये बहुत इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। उसका कारण सुनिए भाई, देखो मेल्ट तब तक नहीं करेगा जब तक आप इसके कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे। इतना आप देख रहे हो, इतना पावरफुल नेटवर्क है कोवेलेंट बॉन्ड का, उसको ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा क्या सप्लाई करनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा एनर्जी सप्लाई करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, इतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी कि वो 3500 सेल्सियस से ऊपर निकल जाता है। इसके बाद डायमंड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। व्हाट इज द रीजन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ डायमंड क्रिस्टल। आप ये पॉइंट मैंने नोट नहीं किया, आप नोट कर सकते होंगे, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन द डायमंड स्ट्रक्चर। व्हाई, अभी अभी मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए ये एक कार्बन का एटम है डायमंड में, ये दूसरा है, ठीक है ना, ये तीसरा है, सॉरी एक सेंटर में लिया और टेट्रा, इसके चारों तरफ चार कार्बन एटम होंगे जो कि किसके वर्टेक्स होंगे, टेट्रा हेड्रॉन के, ओके। तो बताइए मुझे सेंटर के कार्बन को देखिए बस, और किसी को मत देखिए, बताइए इसकी वैलेंसी कंप्लीट है कि नहीं, ठीक है ना। तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है नहीं, तो कंडक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर आप इसको देखेंगे ना तो ये फर्दर इसमें मैं कितने बॉन्ड निकाल दूं, 1, 2, 3 और 4। अगर आप इसको चेक करेंगे तो इसके चारों तरफ जो कार्बन आइटम है वो भी टेट्राहेड्रॉन के क्या बनाएंगे, वर्टेक्स। इसको चेक करिए, इसमें भी मैं एक तो इसके साथ लगा हुआ है, 1, 2, 3। अब समझ में आया स्ट्रक्चर, ठीक। इसको देखिए, एक तो इधर लगा, 1, 2, 3, और ये टू डायमेंशनल में नहीं है, जो बोर्ड में आप सोच रहे बोर्ड में आपको दिख रहा है, नहीं, ये थ्री डायमेंशनल में, ये टेट्राहेड्रॉन के वर्टेक्स होंगे, ये वर्टेक्स होगा टेट्राहेड्रॉन का, ये वर्टेक्स होगा, ये वर्टेक्स होगा, क्योंकि अभी जो मैंने आपको टेट्राहेड्रॉन दिखाया था उसमें एक टॉप व्यू था, पीछे से जाके देखोगे तो वैसा ही दिखेगा, एग्जैक्टली। तो इमेजिन कर सकते हो आप, ठीक है, जैसा टॉप व्यू था वैसा ही पीछे एक व्यू था, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये डायमंड का स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, ओके ओके। ग्रेफाइट के बारे में चलिए देखते हैं। ग्रेफाइट क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ कार्बन एटम्स और शीट्स ऑफ कार्बन एटम। मैंने आपको भी दिखाया था किस तरीके से लेयर बनती है, ओके। पॉइंट नंबर 2, ईच कार्बन एटम इज जॉइंड टू 3 अदर कार्बन एटम। हर कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा रहता है, इसलिए इसकी फोर्थ वैलेंसी मतलब फोर्थ इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो लास्ट पॉइंट मैंने यही लिखा है, ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम्स इन ग्रेफाइट आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, दिस इंप्लाइज दैट ग्रेफाइट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। उसके बाद देखिए ये बहुत बढ़िया एक पॉइंट है, ये वाला देखिए, एटम्स by strong covalent bonds to form flat hexagonal ring. Atoms जो कि covalent bonds से जुड़े रहते हैं वो क्या बनाते हैं, hexagonal ring, मैंने आपको दिखाया था, hexagonal flat ring होती है, जो कि ये वाली इसके identical नहीं होगी, यहाँ वाले के identical होगी और ये वाली इसको छोड़ के इसके नीचे वाले के identical होगी, लेकिन सभी layer
एक दूसरे से कौन से बॉन्ड से जुड़ी रहती है, कोवेलेंट से नहीं जुड़ी रहती, व्हाट इज द रीजन? आंसर इज वो इतनी दूर होती है, ध्यान से देखिए, इतनी दूर होती है कि आपको कूलॉम का लॉ मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी में, F is equals to क्या होता है कांस्टेंट K Q1 Q2 by R square, अगर R बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो कार्बन है इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, लेकिन दोनों का डिस्टेंस क्या है, दूर दूर। ये लेयर आपस में एक दूसरे से काफी दूरी पे होती है, जिससे आर का वैल्यू बढ़ जाता है और फोर्स घट जाता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। यहाँ तो डायग्राम ही नहीं है, इस लेयर का कार्बन एटम नीचे वाले लेयर कार्बन एटम के साथ कोवेलेंट नहीं बनाता, व्हाट इज द रीजन? आंसर इज यस, द लेयर्स आर क्वाइट अपार्ट, देयरफॉर नो कोवेलेंट बिटवीन द लेयर्स। अगर कोवेलेंट नहीं बनता है तो क्या बनता है, वीक वंडरवॉल फोर्स बनता है। ओके, वीक वे फोर्स का नाम है, वीक वंडरवॉल फोर्स बनता है, ये बॉन्ड का नाम है एक तरीके से, जिसको हम किससे दिखाते हैं, डॉट 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 से। ओके, अनस्टेबल कार्बन के एटम, कार्बन के एटम अनस्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल नहीं होते। अभी देखिए आप क्लास 10 में समथिंग इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, अभी वो सारी चीजें हम लेके नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना। ये जो आपको नॉर्मल फोर वैलेंसी दिखा दी गई है, इस तरीके से नहीं होता, हम कार्बन के एटम को हाइब्रिडाइज करके पहले स्टडी करते हैं। ओके, तो वो चीजें अभी नहीं है, ठीक है। ओके, तो देखिए कार्बन के एटम एक दूसरे से वीक वंडर वॉल, सॉरी ये लेयर एक दूसरे से वीक वंडर वॉल फोर्स से जुड़ी होती है, कोवेलेंट बॉन्ड ना बनने का कारण समझ में आया? कोवेलेंट बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब क्या, फोर्स। भाई फोर्स तो तभी ज्यादा होगा ना जब बॉन्ड का वैल्यू कम होगा, लेयर्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा, इसलिए फोर्स कम हो गया। तो उस फोर्स को मैंने कोवेलेंट बॉन्ड बॉन्ड नाम नहीं दिया, क्या नाम दिया, वीक वंडर वॉल फोर्स। यही रीजन है कि ये हेक्सागोनल रिंग एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकती है, स्लिप कर सकती है, ठीक है, स्लिप कर सकती है, यही रीजन है, स्लाइड कर सकती है, स्लिप कर सकती है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ये रीजन है ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है और स्लिपरी होता है। ओके, उसके बाद लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया भी इलेक्ट्रिसिटी वाला, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके यूजेस देखें।